आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं, ये मेरे ख्वाब की दुनिया ना सही लेकिन अब आ गया हूं तो दो दिन कयाम करता चलूं। उन्हें ये जिद के मुझे देख के किसी को ना देख, उन्हें ये जिद के मुझे देख के किसी को ना देख, मेरा ये शोक के सबसे कलाम करता चलूं। इज्जत माप जनाब मनोज सिन्हा साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब चंदन कोहली साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन जावेद इकबाल साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन शमीम अख्तर जी, सरपंचेस हजरात, पंचेस हजरात, मीडिया पर्सन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टोरल ऑफिसर्स, और खासतौर पर यहाँ पे मौके के अंदर जो है हमारे यहाँ बीच में तशरीफ लाए। मैं वक्त इस प्रोग्राम ब्रिज 32 मीटर स्पैन रायगढ़ गब्बर अंडर पीएमजीएसआई शोकत ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ की आवाम, मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से आप सब लोगों का इस पीढ़ी में आज इस्तकबाल करता हूँ, खुश कामनाएं कहता हूँ। जिला राजौरी जो एक बॉर्डर हिली डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 6.5 लाख पॉपुलेशन आसपास ऐसे 2001-2011 है, जिसमें रूरल पॉपुलेशन जो 91% है, अर्बन पॉपुलेशन जो 1% है। जिला की 4 असेंबली सेगमेंट्स हैं, 5 सब डिविजन हैं, 13 तहसील्स हैं, 19 ब्लॉक्स हैं, 5 टाउन हैं, 380 विलेजेस हैं और 312 पंचायतें हैं। लिटरेसी रेट वाली सेंटर्स 1672, सेक्स रेशियो जो है वो 956 है, डिग्री कॉलेज यहाँ पे 10 हैं, कल्टिवेबल लैंड 1.36 लाख हेक्टर है, अप्रूव हुए हैं जिनमें 3267 वर्ष जो टेकअप किए गए हैं और 2445 वर्ष जो कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 69 करोड़ पैसा जो है पंचायत अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, जिसमें से 25 करोड़ दिया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस 2698 बेनिफिशियरीज को, जिनको 1.52 करोड़ का जो है डिस्पर्स किया गया है। अमाउंट इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क्स को ड्यूरिंग कोविड-19 85 लाख जो है इनको पे किया गया है। 5393 कार्ड इश्यू किए गए अंडर प्रधानमंत्री श्रमधन मंत्र योजना। एनआरएम के तहत 1931 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है बनाए गए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 4.14 करोड़ जो है वो कोटरंका डिवीजन में है। अगर कोटरंका डिवीजन की बात की जाए, अंश कनाल की ये तीनों कहाँ पे इधर है, तीन बैठे हुए, ये इधर आ जाए, इधर आ जाए लाइन में यहाँ पे प्लीज। मुख्तार अहमद साहब, साजिद खान साहब, बिशारत अली साहब, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में वक्त की किल्लत होती है, आप सब जानते हैं बेहतर। मेरे से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बेनिफिशरीज जो हैं जिनको यहाँ पे बुलाना जाना है उनको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ही थ्रू बैक टू विलेज प्रोग्राम के अंदर ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हर पंचायत के अंदर स्पोर्ट्स किट का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। मुख्तार अहमद साहब हैं, धार साकरी पंचायत तामीर हुए हैं, उनमें से 3 वो लोग जिनके घर हाल ही में, और सेहत मंत्री के जो है वो अपने घर के अंदर अपनी जिंदगी जो है वो बसर करें। रघुवीर सिंह साहब, अब्दुल करीम जो 12th क्लास की पीढ़ी की स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर जो है वो डाइस में आए, और यहाँ पे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो है उसके अंदर, इसके साथ साथ मैं
दावत देना चाहूंगा सब जो है वो दे और लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन स्वच्छता जो है उसको भरपूर तरीके से जो है वो उनको कंपनी करेंगे। मिस्टर मुर्तजा अली और मोहम्मद फरीद, सिर्फ मुर्तजा अली और मोहम्मद फरीद साहब जो है वो डाइस पे आ जाएं। डीजीएम साहब श्री शर्मा साहब और डिस्ट साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनके साथ हमरा रहें। मुर्तजा अली और मोहम्मद फरीद, इनको एक को 3 लाख रुपए का चेक है और एक को 2 लाख रुपए का जो चेक है वो यहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब के मुबारक हाथों से जो है वो दिया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सलाहकार श्री फारूक खान साहब, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री संजीव वर्मा जी, आईजीपी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डीआईजी शोकत रजौरी श्री विवेक गुप्ता जी, डीसी रजौरी श्री नजीर शेख साहब, एसएसपी रजौरी श्री चंदन कोहली जी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्री जावेद इकबाल चौधरी साहब, धार के सरपंच श्री एजाज अहमद साहब, भारत का कानून देता है मैं समझता हूं इसलिए आना जरूरी था, इसलिए 5.5 घंटे की यात्रा करके मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। दूसरी बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, काफी हद तक हो गया है और उन परिवारों की चिंता भगवान भी करेगा और यूपी प्रशासन और भारत सरकार भी पूरी तरह से करेगी। आपके सामने अभी कई चीजों का लोकार्पण हुआ है, मैंने उद्घाटन हुआ है रजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम का, यहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां के टैलेंट को देखते हुए 200 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं पीएमडीपी के अंतर्गत केवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के, और उसी के अंतर्गत आपका स्टेडियम बना है और भी स्टेडियम बन रहे हैं, जो उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आपके डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आने वाले दिनों में पूरे हो जाएंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो सहायता आर्थिक सहायता मिलती है उसके अतिरिक्त 200 करोड़ जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मुझे लगता है शायद किसी राज्य को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने इतना पैसा नहीं दिया है। इसका उद्देश्य भी यही है जिसकी चर्चा आप में से अनेक लोगों ने की है कि जो गैप है उसे कैसे भरा जाए। मुझे बताया गया है कि कोतरंका में 3.82 करोड़ का इंडोर स्टेडियम भी लगभग बंद करके हम आइडेंटिफाई करें, दो यूथ, वो बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और जम्मू कश्मीर बैंक में स्पेशल डेस्क हेल्प शुरू की गई और ये निर्देश दिया गया कि न्यूनतम 2 बच्चे को आपको आर्थिक मदद देनी है। सुनने में बड़ा छोटा लगता है, 1 पंचायत में 2, लेकिन अगर पूरे यूनियन टेरिटरी में आप देखें तो इस एक वर्ष में 8500 यूथ इंटरप्रेन्योर बन सकता है। कल मैं जहां गया हुआ था, एक नौजवान साथी खुर्रम था नाम में बोला, उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैंने जब काम शुरू किया था तो बड़ी मुफलसी में जी रहा है और आज मैं 30 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। मुझे लगता है कि तुरंत खां यहां भी बन सकते हैं और एक नहीं कई बन सकते हैं, ये तो शुरुआत है। तीसरी बात हमने ध्यानपूर्वक ये कही थी कि ओपन डेफिकेशन फ्री है, ये यूपी मनरेगा से मजदूरी का ही पेमेंट करते हैं, हर पंचायत में हम अनिवार्य रूप से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए 2 बड़े डस्टबिन रख सकते हैं,